हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई ट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो हमने वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें से त्रुटि बस कुछ शब्द आप तक गलत पहुंच गए हैं। आप लोगों के कई सारे कमेंट भी आए थे, मैंने उनको पढ़ा और उनको कंसीडर किया। फिर इसके बाद मैंने रिसर्च किया, काफ़ी किताबों से मैच कराया, देखा तो कुछ शब्द उसमें से गलत पाए गए हैं, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि वो आप तक मैंने गलत तरीके से पहुंचाए। ठीक है, अब मैं उनको शुद्ध करने जा रहा हूँ, अपनी जो भूल है वो उसको सुधारने जा रहा हूँ, ताकि वो आप भविष्य में गलत ना पढ़ें, उनको आप सुधार लें। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आप तक पहुंच गए हैं, जो भी रीजन रहा हो, जिस तरीके से पहुंचे हैं, ठीक है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ वो गलती हम लोग सुधार लें, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, एक हमारे विजय सिंह जी व्यूअर्स हैं, बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हैं, हमेशा हमारा पूरा वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उन्होंने बताया है कि सर, जो अद्वितीय और महाराजा शब्द है, ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक, इसको देख लिया जाए, रिवाइज कर लिया, रिव्यू कर लिया जाए। तो मैंने देखा तो हाँ, वास्तव में बाजदेव रंजन प्रसाद और पी एन पांडे में जो है अद्वितीय जो इस तरह लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, और ये अशुद्ध है, और ये होगा आपका शुद्ध। ठीक है, इसके बाद जो महाराजा ये लिखा हुआ है, ये गलत है, और ये होगा आपका महाराज सही होता है। ठीक है, ये पी एन पांडे और वास्तु नंदन प्रसाद दोनों में दिया हुआ है। विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। एक हमारे व्यूअर्स हैं अभिषेक कुमार चौधरी जी, इन्होंने भी दो शब्द हमको बताए हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक बताया उन्होंने। इन्होंने नर्क के बारे में बात की है कि सर, जो नर्क शब्द है, ये गलत लिखा हुआ, तो ये गलत है और ये नरक सही है। ठीक, हालांकि ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये पी एन पांडे में पेज नंबर 409 पर दिया हुआ है, हरदेव बारी में ये 243 243 पेज नंबर पर दिया हुआ है, तो ये नरक गलत है, ये नरक सही है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है अनुसंगिक। ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स हैं संतोष शुक्ला जी, इन्होंने मुझे बताया है कि अनुसंगिक जो है, ये सर गलत है और ये अनुसंगिक सही है। हालांकि इन्होंने ये लिखा था कि सर ये सही होगा, अनुसंगिक। ठीक है, तो मैं बताऊं संतोष जी, ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है, ये होगा सही। ठीक है, इसके बाद क्लेश शब्द है, ये आरओ 2014 में पूछा गया है, क्लेश इस तरह लिखा जाएगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ईंट का जो संतोष शुक्ला जी ने पूछा, सर ईंट का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, इसका होगा इष्ट या इसी का होगा, इसका ईंट का। ठीक है, इसके अलावा अंकित दीक्षित जी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत रेगुलर देखते हैं हमारे वीडियो को, इन्होंने एक्चुअली जो हमने आपको तद्भव तत्सम का नोट्स दिया हुआ टेलीग्राम पर, वहाँ पर उनको ये शब्द मतलब प्रॉपर समझ नहीं आ रहे हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा या मतलब वो फेडल हो गए होंगे, इसलिए इन्होंने पूछा सर इनको आप कन्फर्म कर दीजिए। तो जो तद्भव है गूंथन, उसका तत्सम होगा गुम। ठीक है, अंगरखा तद्भव है, उसका तत्सम होगा अंग रक्षक। ठीक है, और ड्योढ़ा जो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा द्वयर्ध। ठीक है, द्वय या रद। ठीक है, द्वयर्ध। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्द जो मैंने आपको क्लियर कराए हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और आप लोग बार बार पूछते हैं, सर जो हिंदी टाइपिंग होती है सहायक समीक्षा अधिकारी में, वो किस फॉन्ट पर होती है, तो मैं आपको बता दूं, कुर्ती देव 10 पर वो ली जाती है, मंगल पर नहीं होती है, कुर्ती देव 10 पर होती है। ठीक है, चलिए, ऐसी आपने गलतियां बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी अगर ऐसी कोई गलती हो, ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसको कंसिडर करेंगे और आपको थैंक यू भी बोलेंगे कि आपने हमारी गलती को बताया। ठीक है, ताकि हमारी भी सुधार हो जाएगी और आपका भी सुधार हो जाएगा, तो हम लोग गलत पढ़ने से बच जाएंगे। ठीक है, आपने बताया, मुझे सहयोग किया। ठीक है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।